हेलो व्यूअर फैमिली, स्वागत है आप सभी का व्यूअर ब्रदर्स के एक और नए व्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है कि आज विजय के घर पे इवेंट है नई बेबी गर्ल का, तो भाई उधर जा रहे हैं हम। मम्मी पापा और रिद्धि रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गए, हो नहीं रहा है, तो बस वो आ रहा है और मैं गाड़ी निकल रहा हूँ। और विश्व सो रहा है, वो लेट तक जाग रहा था, उसको काम था। तो बस फिलहाल इतना ही अपडेट था। अभी साथ में रहिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं सब पता चलेगा। आगे बैठेगी? नहीं, पापा बैठे। पापा आगे नहीं बैठेंगे, रिद्धि बैठेगी। वो हैंडल नहीं है ना आगे, ये पकड़ने वाला, तो पापा पीछे ही बैठते इसके। नहीं तो भी बैठेंगे। आगे आ जाओ, क्या पीछे बैठना है? मैंने बोला था ना मम्मी पापा पीछे ही बैठेंगे। अरे आगे बैठो ना। नहीं क्यों, ये हैंडल इधर है पकड़ने वाला। मैंने मम्मी को पहले बोला पापा पीछे ही बैठेंगे। भाई पापा हमेशा स्कॉर्पियो में बैठते हैं ना, तो आगे बैठते हैं क्योंकि उसमें हैंडल आगे है, ग्रैब हैंडल। और अल्टुरस में हमेशा बैठते हैं ना, तो पीछे ही बैठते हैं। उनको ये हैंडल से है ना बैठने में बहुत इजी रहता है। अगर यह नहीं तो मैं हाथ में दूसरा कोई हैंडल पकड़ के बैठ जाऊंगा। हुआ कोई मतलब ये बात का? क्या मजाक के मूड में है पापा? हैंडल तो चाहिए। रिद्धि किधर है? रिद्धि अभी सो गई लगता है। सबसे ज्यादा टाइम तूने लगाया है रिद्धि, कब से वेट कर रहे हैं हम? क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको रेडी करने दिया ना इसके लिए। बस तेरे पास रीजन रेडी होता है ना हमेशा, क्योंकि जो सच है वो है ना। चलो अभी फटाफट पहुंचना है। चलिए भैया, फाइनली विजय के घर पे पहुंच गए। गाड़ी मैंने मेन रोड पे रखी है। अंकल ने ना हमारे लिए स्पेशली गेट खोल के रखा था ताकि हम वहाँ से इधर डायरेक्ट आ पाए, नहीं तो भाई पूरा घूम के आना पड़ता। चलो जी इधर तो, ओ माई गॉड, म्यूजिक नहीं सॉरी गाने, मारवाड़ी गाने चल रहे हैं। क्या चल विजय? पापा आप नीचे अंकल के साथ बैठो, हम ऊपर विजय को मिलकर आते हैं। अरे तारू चालू थे कि व्लॉग चालू थे? नहीं जा रहे, व्लॉग चालू करो, नहीं हाथ लगाना चालू रही है। चल तपन मिलकर आते हैं विजय को। भाई तपन मेरे से 10 मिनट पहले आ गया। केम जो आंटी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हेलो जय वीरू। भाई विजय फर्स्ट फ्लोर पर भी नहीं है, पता नहीं उसके रूम में होगा शायद इधर, नहीं तो फिर पता नहीं किधर घूम रहा है। ओ इसने सोलर पैनल कब डाल दी, ये लेटेस्ट न्यूज है ना। सलाम मारवाड़ी, हाँ सब कुछ कर देता है, बताता कुछ नहीं है। इसके रूम में होगा विजय। ओ विजय एकला चेक करीने कितने बड़ा लोगों बैठा था। एकला के भाई, एक बे त्रण चार पांच लाख के भाई। भाई कल तपन ने तो आपको थैंक्स बोला था, लेकिन विजय का रह गया था ना, बोल दे भाई। मेरी तरफ से सब विवाह फैमिली को थैंक यू। क्यों के लिए? ऐसा पूरा बोल लेगा ना भाई, आप इतनी सारी कमेंट्स करते हो तो भाई ये थैंक्स बुलवाना जरूरी होता है ना। सच में ऐसा कर रहेगा? तेरे साइड पर देख इतने बड़े आइसक्रीम किंग बैठे, पूरी फैक्ट्री, और ये तो किधर से मंगवा रहा है भाई। भाई ये है ना जूही भाभी के भाई है, ये भी जूही भाभी के भाई है, वो भी जूही भाभी के भाई है, ये भी है, और ये तो विजय के साडू भाई है। लेकिन भाई इन लोगों का है ना बोरसद में आइसक्रीम की बहुत बड़ी शॉप है, और पाव भाजी की भी बहुत बड़ी शॉप है, नाम बता दो ना। जिग्नेश भाई। अरे आपका नहीं शॉप का आइसक्रीम बोरसद, सत्यनारायण आइसक्रीम भाई, बोरसद से जो देखता है ना उनको पहचानता होगा भाई, बहुत फेमस है। और आपकी पाव भाजी की शॉप श्रीनाथ पाव भाजी हमारी बोरसद में, आइए सभी को वेलकम। अरे वाह, एडवर्टाइज कर दी ना असली मारवाड़ी भाई। बात ये बोलने के लिए मैंने ब्लॉक किया था कि भाई ये जो आइसक्रीम है ना ये इधर से भी मंगवा सकता है, लेकिन भाई मारवाड़ी ने इधर से मंगवा दिया, धोखा दिया ना। ए भाई सेलिब्रिटी आओ, आओ तेरे लिए भी आइसक्रीम रखा। हेलो भाई, विश्व ने इतने सारे कॉल किए ना, सब इसकी वेट कर रहे हैं कि भाई ये कब आएगा। लेफ्ट राइट कब बाजू मारे, बाजू मारे इसकी नहीं थी ना कामकाज। अच्छा तो बात नहीं, चलिए भाई फाइनली। हाँ जिग्नेश भाई फाइनली खाने का नंबर लगा ना। यस मैं आपको भी ज्यादा बोल नहीं सकता ना क्योंकि आप भी मारवाड़ी हो। नहीं मेवाड़ी, अब मेवाड़ी मेवाड़ी। अरे अभी फाइनल भाई, हमने चर्चा की ना, सबने बताया भाई ये है ना मेवाड़ी, मेवाड़ी हूँ मैं। हाँ फिर से एक बार बोल मेवाड़ी। चलो भाई, मैंने मैंने बोला हुआ
इसका गांव मेवाड़ में पड़ता है, ये खुद मेवाड़ से रिलेट करता है। तो कुंभलगढ़ तो मेवाड़ में आया ना, अभी फाइनली तुम मेवाड़ी है। मेरा गांव भी बता दे, कुंभलगढ़। ओके बता दिया। तो भाई फाइनली अभी खाने के लिए जा रहे हैं, कब से वेट कर रहे थे, भूख भी इतनी। अरे देर है अभी, देर ओ अभी तो लेडीज डिपार्टमेंट का खाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो पहले शादी में करते थे ना, कोई खाना खाता है तो उसके सामने वीडियो, हम सबको ऐसा कर रहे हैं। अंकल जमजो शर्मा था नहीं, अंकल समझो शर्मा था नहीं, ना ना फोटो बाट जो शर्मा डिस्को फोटो बाट भाई, अंकल को कर जो अंकल को आज सबसे बड़ा थैंक्स है, क्योंकि उन्होंने अपना गेट मेरे लिए खुला रखा। अरे ओहो कैम जो, ये विजय के सबसे बड़े पापा है, मतलब सबसे बड़े वाले बड़े पापा है। कौन मटे स्टॉक करो जो अंकल, मेहमान ने शू करवा, शू करे खवड़ा ने, शू कराई खवड़ा ने, शू कहवाई आम खवड़ा होने सूखे भाई, कई वर्ड से ने अंकल है भूली गया। शादी का कैमरा आया। अरे मने एम के तमे लोग जमे क्या रहो, विजय ने पूछा है तुम्हारी राह छूटा था। अरे नहीं चलो चलो जमी लो बता। भाई सब लोग है ना बाहर खा रहे हैं भाई इतनी गर्मी में, और हम देखो होशियार भाई इधर प्लेट लेकर आ गए और घर में आराम से बैठ कर खा रहे हैं, और अगर ज्यादा गर्मी लगेगी तो हम एसी भी चला सकते हैं। दो रखो दो। अरे किला शादी का कैमरा थोड़ी है, ये पोज देकर खड़ा था। हाँ पर इन्हें मनवार, इन्हें मनवार कर मोड़ा हाथी कपड़ा यहाँ। हाँ वो अलग है, ये अलग है भाई। वेरी नाइस, खाना पड़ेगा। मैं मना नहीं करूंगा ना, वो मुझे पता। और मैं 70 किलोमीटर साइकिल चलाई तो पत्थर ही फेंक दिया। कितना 70 किलोमीटर साइकिल ली थी हमने, गुजराती वाला हिंदी वाला 17 गुजराती वाला। अच्छा मेरे को लगा 70 किलोमीटर चलाई, ये आते नहीं इधर 70 चलाई। आप सबने विजय को देखा है, विजय के मम्मी पापा को देखा है, भाभी को देखा है, विजय के सारे भाइयों को देखा है, लेकिन विजय की बहन को कभी नहीं देखा ना। ये नहीं, ये अहमदाबाद में रहते हैं वैसे, लेकिन आज विजय के जीजा जी ने गुटली मार दी है। हाँ जीजा जी नहीं आया आज, ये आई जे ना, ये तुम्हारो अगर रह चे हाँ, ये भाभी जी ने रखे हमने। अभी तू ये आदत पड़ ले अभी। आओ आओ, खाना खा लिया मम्मी? हाँ एकदम एकदम मस्त। आओ आओ आंटी बैसो, ये तपन के मम्मी है अगर आप नहीं पहचानते हो तो। ये कर रहे मम्मी ने मास्क क्यों पहने, मास्क एक्चुअली आंटी बहुत प्रिकॉशन रखते हैं, उनको कोरोना का अभी भी थोड़ा सा डर है ना, थोड़ा सा डर है अभी कोरोना का, दांत की ट्रीटमेंट। अरे मेरे को पता है, तुम ऐसे ही बोल रहा हो। खाने में मजा मेरे को क्यों आया पता है, छास्ती इसके लिए, मेरे को पता था। बाय। अभी मम्मी पापा अंकल आंटी और विशु जा रहे है, प्रयाग भी अभी भटक रहा है। हाँ और भाई मैं और तपन, सॉरी ये रहा मैं और तपन इधर है अभी। चलो बाय बाय, जय श्री कृष्णा। मैं तो इधर भाई अपना खाना अभी भी चल रहा है। चलो बढ़िया, चल प्रयाग भाई। भाई सारे गेस्ट चले गए और अभी हम ऊपर विजय के रूप में आए, सोच रहे थोड़ा सो जाए। तपन का भी ऐसा ही हाल है, सोना ही पड़ेगा, इतना खिला दिया है मारवाड़ी ने मेरे को, कितना स्वीट। मेवाड़ी मेवाड़ी हाँ। भाई कब के हम तीनों लेटे है, मतलब कि बिना मतलब कि कितनी सारी बातें कर रहे हैं। वो बातों का हमारे रियली मतलब रियलिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ना आज होने वाला है ना कल होने वाला है, लेकिन भाई बहुत, चल रही है बातें। बहुत पुराने फोटो भी निकाले, मेवाड़ी मिलते हैं मेवाड़ी। चलो भाई अभी तपन भी अलग गाड़ी लेकर आए तो हम दोनों अलग अलग जाएंगे। चल कब मिल रहा है, अभी तेरी साइकिल सर्विस हो गई है, ठीक है चल भाई। चलो भैया देखा तपन, इसको दोस्त बोलते हैं, सब जाने के बाद भी नहीं दर्द है, कोई नहीं है, देखो कोई भी नहीं है, पूरा लास्ट तक साथ दिया हमने। हाँ और थोड़ा रुक जाते तो ये मंडप भी हम ही निकाल देते हमेशा। भाई विजय ये गेट कूद कर आता है, लेकिन भाई आज अंकल ने ना हमारे लिए गेट खुला रखा था ताकि भाई हम यहाँ से आ जा सके। 2-3 बार बोलना जरूरी है ना अंकल, अगर व्लॉग देख ले तो और भी अगली बार खुला रखे, क्योंकि भाई ये इधर से ना विजय का घर सामने ही दिखता है, लेकिन भाई गाड़ी का पार्किंग अंदर नहीं मिलता ना, तो हम इधर गाड़ी रख कर फिर आगे जाकर पूरा अंदर गली में जाकर फिर पूरा घूम कर आएंगे तब विजय का घर आता है। तो भाई ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है ना। सो थैंक यू अंकल वंस अगेन, नेक्स्ट टाइम भी ऐसा रखना तो हमको थोड़ी सुविलियत मिल जाए। मिल जाए। चल मिलते हैं। मिलते भाई। चलिए भैया
अब जाते हैं घर और एक छोटा सा शूट करना है वो भी निपटाएंगे, और फिर पता नहीं भाई आज क्या होगा। मैं शायद सो जाऊंगा फिर, क्योंकि मैं 1.5 घंटे भी नहीं सोया हूँ ठीक से, और फिर इधर आ गया था उठकर रेडी होकर, तो भाई शायद आज मैं जल्दी भी सो जाऊंगा। वैसे अभी शाम के 4:15 बजे, भाई मेरे को इतनी नींद आ रही है ना, मेरी आंखें देखोगे ना आपको पता चल जाएगा, देखो भाई कितनी लाल लाल लग रही होगी ना भाई। मैं कैसे घर तक पहुँचाऊँ ना मेरा मन जानता है। वैसे ड्राइव करने के लिए तो सेफ है, ऐसा नहीं कि मेरे को इतनी भी नींद आ रही है कि मैं ड्राइव ना कर पाऊँ, लेकिन भाई मेरी बॉडी अभी रेस्ट मांग रही है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, घर पे जाके पहले सो जाऊँ बाद में काम करूँ, या फिर काम करके सो जाऊँ। इंद्र जी पहुँच गए घर पे। क्या क्या कर रहा है? बस भाई अभी लेटा था मैं, तो नींद भी आ रही है अभी थोड़ी बहुत। तेरी भी पूरी नहीं हुई नींद? हाँ। मेरी आँखें देख क्या लाल लाल लग रही है ना। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ देख। हाँ। अभी 4:15 बजे है, 2 घंटे सो जाते। 2 घंटे के बाद तू भी नहीं उठेगा? मैं उठ जाऊंगा, मैं तो 1 घंटे के बाद भी उठने के लिए रेडी हूँ। अरे भाई नहीं उठेगा तू? उठूंगा, अभी तो मेरी कोई कैपेसिटी नहीं। तो सो जा, जा पहले फटाफट, आंखें भी लाल लाल लग रही है ना। हाँ तो सो जा, जा 1 घंटे सो जाते, फिर उठकर वो शूट खत्म करके फिर तू भी फ्री मैं भी फ्री। भाई अभी टाइम हो रहा है 9:15 ऑलमोस्ट, और विश्व सही कह रहा था कि भाई तू 1-2 घंटे में तो नहीं उठेगा। भाई बहुत ज़्यादा नींद ले ली मैंने, कुछ कितने 4 घंटे जैसा हो गया ना। 8:15 बजे के आसपास मैं उठ गया था भाई। 4 घंटे सोने के बाद भी अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे को और नींद चाहिए। जो भी है भाई अभी काम तो करना पड़ेगा ना। दिल तो बहुत कुछ करेगा सोने का घूमने का, लेकिन भाई काम जरूरी है ना, तो भी काम खत्म कर लेते हैं। विशु चलो भाई, विशु रेडी हो रहा है। हाँ एसी चालू करवाना चाहिए। अभी मैंने क्या कर दिया? बीवी लोगों का है ना कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को कुछ याद ही नहीं है कि ऐसा क्या हुआ है कि मेरे साथ बात नहीं कर रही। क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रही तू? दोपहर को खाना इतना मस्त था, बट आपको पता है जो गर्मी लग रही थी ना, और दाल चावल तो बाप रे, और मजा तो आ गया मुझे बहुत छास में। वो सारी बात ठीक है, मेरे से बात क्यों नहीं करनी है? मस्ती कर रही थी, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। ओ माय गॉड, बच गया, मेरे को लगा ये फिर से क्या हो गया। और आपको पता है गुजरात में बहुत गर्मी हो गई है, ये वडोदरा में तो बहुत हो रही है। अभी उठ के ना मस्त मैंने 3 ग्लास गर्म पानी नींबू वाले पिए, और अभी भूख लगे तो काकरा। पापा का क्या सीन हुआ पता है? अभी बेचारे का वो पान लेने गए थे, उनको आज पान खाने का मन था मीठा, पर तो वो जो अंकल बनाते हैं तो उन्होंने, वो नहीं थे तो उनकी मम्मी ने पान बनाया, तो पान पे अंदर पता नहीं क्या डाल दिया, तो पापा का पूरा मुंह छिल गया बेचारे का, और पूरी वो स्किन निकल जाती है ना, वैसे तो बेचारे खिचड़ी भी नहीं खा पा रहे अभी। चलिए भाई साहब। हाँ ये देखो भाई, एक ही सॉफ्ट बॉक्स से कितनी सारी लाइट हो गई, लेकिन फिर भी नहीं, हमको तो 3-3 चाहिए। ये देखिए, हाँ जी अब ये वाला भी चालू करूँगा ना, फिर तो भाई दिन से भी ज्यादा उजाला इधर हो जाएगा। ये देखना, ये देखो, हाँ कैमरे में पता नहीं चलता उतना भाई, लेकिन बहुत उजाला है। यहाँ पर देखो ये लाइट का उजाला है, और इधर देखो। ओ भाई साहब, आओ ठाकुर। ले भाई तेरा हथियार, चलो फटाफट। कितनी देर लगा रहा है? कब से हम तेरा वेट कर रहे हैं, और इधर सुबह कितना फिट हो गए। फिट तेरे भाई ये अभी अभी रूप तू ये सब क्या दिखा रहा है? नहीं दिखा ना, और मैं करूंगा छोटी सी एडिटिंग जो मेरे को फटाफट निपटानी है, और फिर ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, और मम्मी भी चल रहे हैं। हाँ मैंने मम्मी को बोला आप चलो, तो मम्मी बोले हाँ मैं चलती हूँ। वाह, तो फिर मैं नहीं आऊंगा तो चलेगा ना? थोड़ा चक्कर लगा के आएंगे भाई, मम्मी और रिद्धि और विशु तीनों तीन वेट कर रहे हैं भाई। बा सो आचो छो, जय श्री कृष्ण। बा मुके दे तू नथी वाचू है, कोई नथी बा, व्लॉग करू छू। मेरे को है ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा बा के सामने व्लॉग करने के लिए, क्योंकि ये व्लॉग करता हूँ ना तो बा को ऐसा ही होता है कि किसी का कॉल है, तो मेरे से ध्यान हटकर पूरा बा का ध्यान इधर आ जाता है। बा के साथ कब की इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, देखो 12:15 बज गए। तेरे को भी पापा वाला रोगे? क्या पापा वाला? पीछे बैठने का।
अभी पीछे मैं कैसे बैठूंगा पता है तुझे? हाँ। ओह हाँ। आज साइकिलिंग मैंने की ना भाई, तो थक गया। हाँ, 7 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ओहो, मम्मी भी पीछे बैठेगी? भाभी देख क्या इशारा कर रहा है। रिद्धि को भी पीछे बैठना होगा ना इसके लिए। साला मेरी गाड़ी में सबको पीछे ही बैठने में मजा आता है। मेरे को भी लगता है मेरे को भी पीछे बैठकर गाड़ी चलानी चाहिए। मैंने मम्मी को बोला ना कि आप प्लीज आगे बैठा, तो मम्मी भाग के ऐसे आ गए। और विशु भाई देखो मुझे भी पीछे बैठना था आराम से। कोई बात नहीं भाई, अभी हम छोटा सा चक्कर लगाएंगे और फिर घूम के घर पे आकर सो जाएंगे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि अभी रात को चक्कर लगाने के लिए ही जा रहे हैं सिर्फ, तो और कुछ दिखाने का तो मतलब नहीं बनता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।